आलिया पर हुई थप्पड़ों की बरसात। खुद पिता मणि ने ही अपनी बेटी के गालों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। क्या कर रहे हो तुम? जवान लड़की पर इस तरह हाथ उठा रहे? जिस बेटी को अपना सर प्राप्त हो गया था, वो मेरा जरूर था, पर उसके वजह से मेरा सर शांत तरीके से झुक गया। शगुन ने आकर ना रोका होता तो आज मणि अपनी ही बेटी को मार ही देता, क्योंकि आज उसकी बेटी के ही कारण ही तो रमन भल्ला उसे खरी खोटी सुना कर गया है। और पूछ अपनी संस्कारी बेटी से कि रात गए होटल के कमरे में अकेली मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। एंड माइंड यू, इससे पहले कि तू फिर मेरे बेटे पे लाचन लगाए ना, ये आइडिया तेरी बेटी का था। आलिया ने आदमी को बुलाया था होटल, बहुत परवरिश की दुहाई दे रहा था ना, छाती ठोक के बोला था मेरे बेटे की परवरिश खराब है, अब तेरी बेटी की परवरिश कैसी देख रहे। और शुक्र मना के मेरी बेटी की परवरिश तेरी बेटी जैसी नहीं है। तो रमन का जानी दुश्मन बन चुका मणि ये कैसे सहन कर सकता था? रमन को मार ना सका तो बेटी पर ही गुस्सा उतार दिया। हाँ, लेकिन बरसात सबको इतना मजा आ रहा है सबको, अब ये थप्पड़ देख के आई होप ऑडियंस को मजा आए। आलिया को तो मजा बिल्कुल नहीं आया, मनी ने पता कुछ लगाया नहीं है। रमन उसे वापस घर लेके आता है और काफ़ी कुछ सुनाता है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीन में रमन सुनाया जा रहा है और वो चला जाता है। एंड जो उसने जो कुछ सुनाया है तो उसका जो एक रिएक्शन है वो रिएक्शन निकलता है। रमन के चले जाने के बाद मणि ने आलिया का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया है। और उसे एक कमरे में बंद भी कर दिया है। मणि जो पहले सौम्य था अब वो रुद्र बन चुका है। शगुन के संग ने ही उसे परिवर्तित किया है। किसी ने सच ही कहा है, जैसा संग वैसा रंग। मुंबई से खुशबू मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।